बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर शुक्रवार को प्रस्तावित एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक नहीं हुई। ये बैठक आज या रविवार को होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार शामिल होने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय जायसवाल के पटना में नहीं होने के कारण बैठक रद्द कर दी गई। बिहार में विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस हाईकमान निर्णय लेगी। विधानसभा की 5 सीटों और लोकसभा की 1 सीट को लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधान मंडल दल के नेता सदानंद सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 60 साल तक सत्ता की मलाई काटने वाली कांग्रेस मंडल आयोग की सिफारिशों को विरोध करने के कारण जब सत्ता से बाहर हो गई, तब मजबूरी व बेचैनी में इसने लालू के साथ हाथ मिला लिया। तब इसके नेता ज्यादा सीटें पाने के लिए कथित कुर्बानी की दुहाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में लगातार 8 घंटे बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना के डीएम ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं भागलपुर सहित पूर्व बिहार कोसी के जिले में एक तरफ बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, दूसरी तरफ शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ पीड़ितों को तंबुओं में बंद कर दिया है। भागलपुर जिले की डीएम ने अन्य क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बढ़ने के कारण जरूरी सामग्री स्टोरेज की अपील की है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर में भी बहुत अधिक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बिहार में कार्यरत सभी बैंकों का समय अब एक समान होगा। सभी जिलों में सभी बैंकों की शाखाएं ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। ये नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया जाएगा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने सभी बैंकों के लिए एक समान समय रखने के संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले जिला स्तर पर कई बैंकों की शाखाओं का समय अलग अलग था। इस नए समय का पालन करना सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए ही अनिवार्य है। बिहार में चालू वित्त वर्ष के दौरान ही राज्य में राशन दुकानों के 13,600 नए डीलरों की बहाली होगी। सरकार की ओर से इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। 9 लाख के करीब नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सिंह सहनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 42,000 डीलर हैं। बढ़ती आबादी और राशन कार्ड की मांग को देखते हुए डीलर्स की संख्या 55,000 तक बढ़ाई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।